दिल्ली के नांगल गांव में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत काम करने के बाद हत्या की घटना पर राजनीति गरमाने लगी है। नेताओं की पीड़ित परिवार से मुलाकात जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। हालांकि राहुल की मुलाकात को बीजेपी ने निचले दर्जे की राजनीति बताया है। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने राहुल से सवाल किया है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलित बेटियों के साथ अत्याचार पर वो चुप क्यों हो जाते हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन केजरीवाल मंच पर से गिर गए। दरअसल केजरीवाल वहां जब लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े तो उस पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि मंच ही टूट गया और मंच के टूटते ही उस पर मौजूद सीएम केजरीवाल समेत तमाम लोग गिर गए। इसके बाद तुरंत केजरीवाल को वहां भीड़ से निकाला गया। हालांकि गनीमत रही कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। इसके बाद केजरीवाल पीड़ित परिजनों से मिले। उन्होंने परिवार को न्याय का आश्वासन दिलाया, साथ ही 10 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, बच्ची को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, सरकार द्वारा परिवार की पूरी मदद की जाएगी। उधर केंद्र सरकार भी मामले को लेकर एक्शन में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ओर पुलिस काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।